हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग वैलिडेशन सीखने वाले हैं। वैलिडेशन वैलिडेशन सेंस कि हमारा फॉर्म के प्रॉपर वैल्यू फिल कर सकें और सेव कर सकें। इसमें क्या है कि हम लोग इस वीडियो में रिक्वायर्ड वैलिडेशन, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ वैलिडेशन चेक करेंगे, देखेंगे। रिक्वायर्ड वैलिडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न रिक्वायर्ड वैलिडेशन। हमारा एक पेज है सेव, हमारा पेज है ऐड, ऐड प्रोफाइल, ये हमारा ऐड प्रोफाइल का पेज है। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड को मैं रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ कि बिना यूज़र नेम और पासवर्ड डाले आप इसे डेटाबेस में सेव ना कर सको। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने मॉडल पे जाओ। देखो इसका प्रोफाइल का, इस पेज का जो हमारा ये पेज है प्रोफाइल, इसका मॉडल प्रोफाइल है। तो इसके अंदर मैं प्रोफाइल में गया और जो हमारा यूजर नेम है उसके ऊपर मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड और मैंने प्रेस किया कंट्रोल डॉट सो दैट आई कैन इम्पोर्ट नेम स्पेस। जो हमारा इसका रिक्वायर्ड का नेम स्पेस है उसको मैंने क्लिक कर दिया और इम्पोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखोगे इम्पोर्ट हो गए। अब इम्पोर्ट होने के बाद एक और मैं ऐड कर देते हैं रिक्वायर्ड, मैं यूजर नेम और पासवर्ड को रिक्वायर्ड कर दिया। और हमारे एक्शन पे चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि सेव करने पे हमारा जो सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा एक्शन कॉल होगा, सेव डेटा, सेव ऐड हमारा एक्शन कॉल होगा। तो सेव ऐड हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑन द टॉप इफ मॉडल मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इक्वल टू फॉल्स है, ओके एंड इल्स। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर मॉडल का स्टेट हमारा फॉल्स है तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे व्यू को, जो हमारा पेज ऐड वाला था उसी पेज को हम रिटर्न कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें, अगर मैं डायरेक्टली रिटर्न करूँगा व्यू को तो क्या होगा, एक सर्च करेगा सेव डेटा नाम से, सेव ऐड नाम से व्यू सर्च करेगा। लेकिन अगर हमारे पास तो है नहीं, हमने क्या क्रिएट कर लिया, ऐड नाम से व्यू क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड पास कर दूँगा और साथ ही साथ मैं मॉडल पास कर दूंगा सो दैट हमारा जो डेटा ऑलरेडी हमने वहाँ पे डाल रखा है वो ऑटोफिल होके वापस जाए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मैंने दो कैटेगरी बनाई है, अगर मॉडल स्टेट फॉल्स है तो मैं बैक चला गया अपने ऐड वाले पेज पे, अगर फॉल्स नहीं है तो यहाँ पे हमारा एल्स पार्ट में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे कि मैं ऐड होके बैक जाएगा तो हमें कुछ मैसेज यहाँ पे चाहिए कि कौन से फील्ड में हमारा रिक्वायर्ड वैलिडेशन या कौन से वैलिडेशन फेल हुआ, यूजर नेम में हुआ है, पासवर्ड में हुआ है कि फर्स्ट नेम में हुआ है, ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, एक कहीं ना कहीं प्रॉपर मैसेज देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, एट द रेट एस्टिमल डॉट वैलिडेशन मैसेज फॉर होता है, ओके यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स डॉट यूजर नेम कॉमा नल कॉमा। और आपको अगर कोई क्लास देना चाहते हो, जैसे सो दैट मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज लिख के है वो रेड कलर रहे या किस कोई कलर है, तो उसके लिए यूज कर सकते हो यहाँ पे क्लास अपना। जैसे मैंने यूज किया एट द रेट क्लास टेक्स्ट डेंजर, सेम थिंग मैंने यहाँ पे पासवर्ड के लिए यूज कर लिया। तो अभी क्या होगा कि यूजर नेम का में अगर रिक्वायर्ड फील्ड आएगा तो यूजर नेम का मैसेज यहाँ पे आएगा, पासवर्ड का रहेगा तो पासवर्ड का मैसेज यहाँ पे आएगा। मैंने इसे बिल्ड किया और इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा, पहले रिफ्रेश करते हैं पेज। तो देखो मैंने अभी क्या किया कि पासवर्ड में डेटा डाल दिया थ्री और नेम गुप्ता थ्री एट द रेट gmail.com मैंने चूज कर लिया और सेव पे क्लिक करता हूँ। देखो कि द यूजर फील्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम फील्ड इज द रिक्वायर्ड, एक डिफॉल्ट मैसेज दे दिए, ठीक। मैं अगर सपोज दैट यहाँ पे फिर से कुछ टाइप कर, यहाँ पे कुछ नहीं टाइप करता हूँ और फिर से सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम फील्ड रिक्वायर्ड दोनों में हमारे पास आ गए। तो इस चीज़ को देखोगे आप कि ये हमारा डेटा सेव नहीं किया हुआ जब तक मैं यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ डालूँ ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूजर नेम में डाल दिया मैंने ग्री, पासवर्ड में डाल दिया अपना डेटा
और मैं इसके साथ डेटा सेव कर रहा हूँ। तो देखोगे कि हमारा डेटा सेव हो गया क्योंकि हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाल रखा था। फिर से चलते हैं ऐड बटन पे और फिर से मैं कुछ भी डेटा डाले सेव पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हमारा रिक्वायर्ड के साथ मैसेज आ गया प्रॉपर। तो देखो यहाँ पे मैसेज जो आया हमारा प्री डिफाइन आया है। मैं चाहता हूँ इस मैसेज को प्रॉपर चेंज करना, तो उसके लिए क्या होता है कि आप प्रोफाइल में जाओगे, रिक्वायर्ड पे जाओगे, यहाँ पे एरर मैसेज लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज टाइप कर सकते हो जो चाहते हो, एज यू थिंक बेटर। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ओके, यूजर नेम और पासवर्ड देखो मैंने प्रॉपर मैसेज दे दिया। और फिर से बिल्ड करता हूँ और मैंने मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल से सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे यूजर नेम और रिक्वायर्ड और पासवर्ड रिक्वायर्ड का मैसेज आ गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। मैक्स लेंथ इन मिन लेंथ वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो।